उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते तापमान में गिरावट आने की वजह से एकाएक आलू की मांग बढ़ गई है। आपको बता दें, बीते कई दिनों से बेंगलोर, मेट्टियापालम, मदुरई, मुंबई जैसे रीखी बड़ी मंडियों में आलू के अधिक आवक होने की वजह से दाम काफ़ी निचले स्तर पर चल रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे में मंडियों में आवक कम होने की वजह से अब धीरे धीरे मंडियाँ सुधार की ओर लौट रही हैं। बेंगलोर की बात करें तो 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो आगरा और उत्तर प्रदेश का आलू बिक रहा है, तो वहीं हसन का आलू 18 रुपए किलो से बढ़कर 22 रुपए किलो तक पहुंच गया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए तक के डाउन पर बिक रहा आलू आज 21 रुपए किलो से लेकर 22 रुपए किलो तक पहुंच गया है। यही हाल मदुरई और मेट्टियापालम का है, 24 से 27 रुपए किलो मेट्टियापालम और मदुरई में बिक रहा है। आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही आवक बनी रही तो आलू के अच्छे दाम मिल सकते हैं।